हाय दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार फ्रॉम लैनिस्टर इंस्टीट्यूट से। आज हमारे बड़े भैया आए हैं जो हर्ष चौधरी हैं और आज यहाँ के कोसी कला के पूरे चेयरमैन हैं, मतलब जिला पार्षद हैं SOS के। तो आज भैया कुछ स्पीच देना चाहेंगे और बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए आज भैया का, जो आए हमारे इंस्टीट्यूट पर पधारे हैं और हमारे बच्चों के लिए आए हैं आशीर्वाद देने। तो भैया हमारे कुछ कहना चाहेंगे, हर्ष चौधरी जिला पंचायत। मैं स्पीच देने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ से, मैं स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए आया हूँ मिस्टर पुष्पेंद्र जी का, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में आप कहीं भी जाएंगे सबसे पहली आपकी जो समस्या है वो बेरोजगारी की बन मिलती है आपको। हमारे युवा बगैर काम के नशे की तरफ भागते हैं, बगैर कार्य के दुनिया भर के अवसरों का प्रयोग करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं ख़त्म करने के कगार पर धीरे धीरे चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर है हमारे बीच में कि पुष्पेंद्र जैसे युवा जो ना कि सिर्फ अपना काम जिन्होंने ढूंढा हो, उसके साथ साथ हमारे क्षेत्र से कम से कम 100-200 बच्चों को इतने अच्छे पैकेजों पे इन्होंने बिठाया है। और जहाँ तक मुझे आभास है, हमारे गांव में हमारे जो माननीय जगदीश जी हैं, आज 15 लाख के आसपास उनका पैकेज है। एक हमारा और परिवार का बच्चा है सोमू, उसका लगभग 8 लाख महीने का पैकेज है। और अगर हम बात करें कि 2.5 लाख 3 लाख पैकेज के, तो गांव में कम से कम 20-30 ऐसे बच्चे होंगे। ये मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, क्षेत्र का अगर आप अनुकूलन करेंगे तो बहुत लोग आपको मिलेंगे। 1 लाख के पैकेज वाले नॉर्मली हम जब देखते हैं कि IAS IPS को 2.5 लाख 3 लाख तनख्वाह मिलती है, लेकिन हमारे गाँव में 2.5-3 लाख के इतने बच्चे हैं कि एक IAS IPS की तरह जॉब उनको जो उठा रहे हैं, सैलरी पैकेज जो उठा रहे हैं। और 40-50 जो एक इंजीनियर की जितनी तनख्वाह होती है उससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ जो BA BSc BCom करने के, ग्रेजुएट करने के बाद जो 3-3 महीने 6-6 महीने इनके पास ट्रेनिंग में आए उनको उन्होंने एडजस्ट किया है। तो ये एक प्रतिभाएं होती हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अपने बारे में सोचते हैं और एक वो जो सबके बारे में सोचते हैं। तो माननीय पुष्पेंद्र जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपने साथ साथ सबके बारे में सोचा। ये चाहते तो अभी बीच में इनके पास 11 लाख का कहीं से ऑफर आया था पर महीने का सिंगापुर से, तो जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाने से ज़्यादा बेटर समझा कि आप लोगों में से प्रतिभाओं को छांट छांट के सही दिशा में करें। तो जब तक जहाँ तक मेरा अनुमान है 300 बच्चे हमारे क्षेत्र के, इन्होंने अच्छी अच्छी SCL विप्रो, ये तो बड़ी मल्टी लेवल कंपनी, बड़े जो कंपनी ब्रांड हैं टाटा है, इन सब में इन्होंने रिलायंस है, इन सब में एडजस्ट कराया है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देने के उद्देश्य से आया था कि पुष्पेंद्र जी आपको लेके लोग प्रेरित होते हैं, आपको लेके लोग प्रेरित होते हैं और वो उनको इस बात का गर्व होता है कि हमारे बीच का कोई हमारा भाई जिसने बगैर सरकार के, बगैर किसी अनुदान के अपने सेल्फ स्टडी सेंटर बना के और इस तरीके से बच्चों के जो भविष्य को संवारा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं बार बार अपने मन से हृदय से इन्हें बार बार शुभकामनाएं देता हूँ। और ये जितने बच्चे यहाँ हैं जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी मेरा ये इस माध्यम से एक संदेश उनको देना है कि आप भी अपने अंदर अंदर ये भावना पैदा करें कि अगर आपके पास कोई वैकेंसी है और क्षेत्र का कोई, हमारे क्षेत्र का या गाँव का या पड़ोस का कोई बच्चा बेरोजगार है, तो प्लीज उसे अपने पास बुला के उसे नौकरी मुहैया कराइए। और आप सब एक यहाँ से प्रण लेके जाएंगे, ये सोच के जाएंगे कि हम में से हर किसी को पुष्पेंद्र जैसा बनना है जो अपने के अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के बच्चों का ख्याल रखे और उन्हें बहुत अच्छा मुकाम हासिल करने में उनकी मदद करे। मैं हृदय से इस नए साल में आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और बार बार पुष्पेंद्र जी को अपने हृदय से ये मेरा ये एक भाव जो पैदा होता है इनके प्रति जैसे ये कार्य करते हैं, मेरा बहुत अच्छा विनम्र भाव है और मैं इन्हें बार बार बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और आगे भी ऐसा करते रहें इसकी कामना करता हूँ।